मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, शिक्षा विद्या शाखा। आज हम आप लोगों को बीएड स्पेशल एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी में जो हमारे बीएड डिस्टेंस मोड से चलती है उसमें बीएड SE03 ब्लॉक 1 पर चर्चा करेंगे। मोस्टली इस ब्लॉक में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हम आपको क्या बताना है, हमारा जो कंप्लीट लर्नर है वो सीख पाएंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग क्या है, और नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट कितने हैं, और लास्ट में हम आपको बताएंगे सिंगल एंड डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो तीन हमारे मोस्टली आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम हियरिंग और हियरिंग के महत्व को जान पाएंगे, और दूसरा कितने प्रकार की ये सेंसरी ज्ञानेंद्री बाधिता होती है, सेंसरी इम्पेयरमेंट, ये हम जान पाएंगे, और सिंगल एंड डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पर्सन होते हैं, इसकी बारे में चर्चा करते हैं। तो हम नेक्स्ट अपनी टॉपिक पे आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है हियरिंग, और जैसा इसमें बता रहे हैं हियरिंग लॉस एंड डेफनेस, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। डेफनेस क्या यानी हियरिंग, तो आज जो हम पहले से जान रहे थे, पहले मोस्टली आदमी ऐसे ही बोल देता था डेफ, सीधे डेफ, लेकिन जो शायद या आम चलन की भाषा में गूंगे बहरे बोलते थे, तो हम प्रोफेशनल ये गूंगा बहरा इस तरीके से ना करके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बच्चे की संपूर्ण हियरिंग क्षति नहीं रहती, उसकी कुछ न कुछ मात्रा में बची रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कुछ मात्रा में बची है हम उसको इम्प्रूव करें, और जब बची है तो हम उसको पूरी तरह से डेफ कह दें, या पूरी तरह से डेफ एंड डम कहना, या गूंगा बहरा कहना, या मूक बधिर कहना शायद अच्छा नहीं है उनके लिए, ये शायद सामाजिक नहीं है, तो हम उसको ठीक से अगर हम सही करें तो हम उसी को हियरिंग इम्पेयर के रूप में, श्रवण बाधिता कितनी है उसके ऊपर हमारी कितनी डीबी है, हम सामान्यतः आदमी जो नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी होती है किसी भी व्यक्ति का वो 20 dB, जो जैसा इसमें हमने बताया 20 dB बेटर हियरिंग होता है दोनों तरफ, बोथ ईयर का, फॉर ये राइट या लेफ्ट ईयर दोनों का, तो 20 dB हमारा जो नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी है। उसके बाद हमारा जो आता है जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग में हम जो नाम आया, जैसे इस समय जो चलन चल रहा है तो हार्ड ऑफ हियरिंग का भी आता है, या डेफ मोस्टली हम उसको कहते हैं जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस पे चला जाए। तो हमारा जो हियरिंग के टाइप है उसमें नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी का है रेंज, फिर उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, फिर मॉडरेटली सीवियर, प्रोफाउंड, इस तरीके से हमारा है, यानी माइल्ड है तो कुछ क्षति है, माइल्ड के बाद मॉडरेट आता है, फिर मॉडरेटली सीवियर है, फिर सीवियर है, फिर उसके बाद हम प्रोफाउंड तक जाते हैं। तो जो हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग का रेंज होता है वो सीवियर तक का है, हम माइल्ड से सीवियर तक अगर है तो हम उसको मोस्टली प्रायर कह सकते हैं कि हार्ड ऑफ हियरिंग है, और डेफ है हमारा जो मोस्टली प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हमारा 110 dB के एबव की मानी जाती है, तो यानी उसको हम कह सकते हैं जिनको पूरी तरह से जिनकी क्षति हुई रहती है, बहुत कम बचने की मात्रा, मतलब मोस्टली हमने बताया कि सबकी पूर्ण क्षति नहीं होती हियरिंग की, कुछ न कुछ मात्रा में उसकी जरूर बची रहती है, तो हमें जैसा जैसा उसकी जो बची हुई मात्रा रहती है सुनने की हम उसी का संवर्धन करते हैं, और तमाम जो हमारा टेक्निक्स है हम उस पर अपनाते हैं कि बच्चों को भाषाई ज्ञान हो और बच्चा सुनना सीखे, बोलना सीखे, ये तमाम उसके टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं, थेरेप्यूटिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे हम बाद में बच्चे का संवर्धन चाहे वो भाषाई हो चाहे संप्रेषण का हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो हम जाने कि मोस्टली हमारा जो है 20 dB का हमारा होता है नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी है, तो फिर मॉडरेट, फिर माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड, ये हमारे जो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है उसकी कैटेगरी थी। हार्ड ऑफ हियरिंग को मैंने बताया कि माइल्ड टू प्रोफाउंड सीवियर तक जो आता है उसको हम संज्ञान में लाते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग की, और डेफ है हमारा जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग जो मेन हमारा टॉपिक था, श्रवण का क्या महत्व है, अगर हम श्रवण की या हियरिंग की अगर हम बात करें, आज अगर व्यक्ति के पास श्रवण नहीं है, सुनना नहीं है,
वो एक प्रकार से सोशली वो क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम जो हमारा सोशल है, क्या उसका जो सामाजिक मुख्य धारा है, वहाँ से वो अलग हो जाता है, क्योंकि भाषा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने समाज से, समुदाय से, अपने परिवार से, तमाम चीज़ें हैं जहाँ से उनका जुड़ाव रहता है, और भाषा के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं। अगर भाषा नहीं है तो वो समाज से कट जाते हैं। तो अगर हम हियरिंग के महत्व को जाने तो एक मनुष्य के जीवन में भाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भाषा नहीं है तो अगर हम कहें एक व्यक्ति के लिए, अगर कहें कि बच्चे का अगर हम हियरिंग उसकी लॉस है, तो ये इसकी प्राथमिक विकलांगता है। हियरिंग अगर लॉस हो गया तो वो दूसरी विकलांगता को भी निमंत्रण दे देता है, और वो दूसरी विकलांगता हो जाती है उसका भाषा और वाणी, स्पीच एंड लैंग्वेज। अब हियरिंग ने दूसरे को दे दिया, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वाणी और भाषा, स्पीच एंड लैंग्वेज, वो भी प्रभावित हो जाती है। भाषा का विकास नहीं होता, बच्चे का वाणी का विकास नहीं हो पाता, ना बोल पाता है ना सुन पाता है। तो सुनना प्रभावित हुआ तो भाषा वाणी भी इसका द्वितीयक, जिसको कह सकते हैं सेकेंडरी विकलांगता हो गई, और ये सेकेंडरी विकलांगता उसको कहीं ना कहीं एजुकेशनल हैंडीकैप बनाती है। अगर बच्चे का पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन ना हो पाया, या जिसको हम कर सकते हैं हस्तक्षेपण, अगर हस्तक्षेपण नहीं हो पाया तो वो उसका शैक्षणिक विकलांगता भी ला सकता है। बच्चे का शैक्षणिक विकास या शिक्षा का स्तर जो है वो निम्न स्तर का ही रह जाता है। बच्चा हायर एजुकेशन तक कर ले या माध्यमिक तक, कहीं कहीं जो आज इनकी शैक्षिक जो व्यवस्था है उसमें हम हर जगह पे ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्कूल प्रायः नहीं है, तो लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद अगर उसके पास नहीं हुआ तो उसका वो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जा रहे हैं। तो हम जैसा जाने कि क्या महत्व है, अगर हम इसके बारे में जाने तो सबसे बड़ा महत्व यही है हमारा कि अगर बच्चे का श्रवण ह्रास हो गया तो वो सामाजिक दायरे से अलग हो जा रहा है, समाज की मुख्य धारा से अलग हो जा रहा है। समाज की मुख्य धारा से अलग होना यानी यही शिक्षा है, शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाता है। तो तमाम ऐसी विसंगतियां उसके जीवन में होती हैं, यानी हम अगर यह कह लें कि व्यक्ति का हियरिंग इतना महत्व है कि उसके सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कुछ अपनी संवेदना जैसे व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे पास भाषा होना बहुत जरूरी है। भाषा नहीं है तो हम अपनी संवेदना को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो इसीलिए इनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित हो जाता है, इनका सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो जा रहा है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगीण जो विकास होता है छात्र का या बच्चे का, वो भी प्रभावित हो जाता है। तो हियरिंग एक मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम एक को आपको अलग अलग उस पर एक हेडिंग देके, हियरिंग फॉर कम्युनिकेटिंग विथ पीपल, जैसे मैंने कहा कि अगर हियरिंग है तो स्पीच और लैंग्वेज भी है, हियरिंग नहीं है तो वाणी और भाषा दोनों प्रभावित है। वाणी भाषा प्रभावित है तो व्यक्ति का संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन, वो नहीं हो पाता, संप्रेषण नहीं हो पाता। संप्रेषण नहीं हो पाएगा, व्यक्ति व्यक्ति से बोलेगा नहीं, समाज से कट जाएगा, समुदाय से कट जाएगा, अपनी बात की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। तो तमाम चैलेंजेस उसके सामने हो जाती है अगर वो पूरी तरह से सुन नहीं पाता है तो बोल भी नहीं पाएगा, और बोल नहीं पाएगा तो उसका कम्युनिकेटिंग स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल इसलिए प्रभावित हो रहे है क्योंकि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है। भाषा अगर होता तो वाणी होती, भाषा होता तो उसका संप्रेषण भी होता, इसीलिए सब इंटरकनेक्ट है। अगर बच्चे का हियरिंग प्रभावित हो गया तो भाषा प्रभावित हो गया, हियरिंग प्रभावित हो गया तो उसकी वाणी प्रभावित हो गई, और ये दोनों प्रभावित हो गए, भाषा और वाणी, तो उसका संप्रेषण स्किल, कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो गया, संप्रेषण भी वो नहीं कर पाता। तो ये हमारा है फॉर कम्युनिकेटिंग पीपल। नेक्स्ट जो है हमारा हियरिंग फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग साउंड अराउंड अस, कि उसके वातावरण के में तमाम जो ध्वनियां है
उसके माध्यम से वो कोरिलेट होता है। जैसे अगर हम कह लें बाय द वे कोई ये ताली की आवाज, चाहे हम इस पे ये जो ऐसे कर रहे हैं इसकी आवाज, तमाम ध्वनियां जो है हम पूर्व में सुने हुए हैं। या हम अपनी आवाज को कह लें, अगर ये मैं अपनी आवाज से, अगर आप लोग परिचित हैं जैसे, तो ये संजय सर की आवाज है, मालूम हो गया। अगर दूसरे की, अगर हमारी आवाज नहीं सुने होते तो शायद ये पूर्व में नहीं सुने होते तो नहीं जान पाते कि ये संजय सर बोल रहे हैं। हम बाहर से भी अगर कोई आवाज सुन रहा है दे रहा है, या हमारी आवाज कोई रूम के बाहर भी अगर सुन रहा है तो बोल देते, अगर जब हमारी आवाज को पहले से सुने होते तो बोल देते संजय सर का लेक्चर हो रहा है। तो हमारा कहना यही था कि एक्सपीरियंस यानी क्या है, जो पूर्व में हमारे हुए हैं वो अनुभव, हम तमाम ध्वनियों को परसीव करते हैं, सीखते हैं, और ये हमारे अनुभव में रहता है। चाहे जिसका गाड़ी का, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो आप देखोगे कि अगर कोई साइकिल वाली घंटी बजाता है तो हम पीछे मुड़ के, हमें उतना स्पेस दे देते हैं, पीछे देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें मालूम है कि पीछे साइकिल। कोई बाइक वाले का हॉर्न बजता है तो हम स्पेस दे के खाली कर देते हैं, मुझे मालूम हो गया क्योंकि पूर्व में हम इस ध्वनि से परिचित हैं, और उतना स्पेस देख के सड़क के और किनारे हो गए। अगर बस वाले ने दिया, कार वाले ने दिया, ऐसे ही हमारे परसेप्शन जो पूर्व में हमें मिला हुआ रहता है, हम उसके हिसाब से स्पेस उसको छोड़ते हैं। ये क्या हुआ, एक्सपीरियंस ऑफ साउंड, यानी ध्वनियों से हम परिचित हुए, पहले से ही हमारे पास ये नहीं थी, एक बार हमारे लिए नया रहा होगा, फिर हमने जाना सीखा कि ये ध्वनि किससे आ रही है। तो हमारे वातावरण में तमाम ध्वनियों को हम पहले से सुने रहते हैं, फिर हम उसके बारे में सोच पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, और हम अपने व्यवहार में ला पाते हैं। हम तमाम ध्वनियों को सुन के समझ के, ये इसका जो दूसरा संदर्भ था, हियरिंग फॉर एक्सपीरियंस इन साउंड अराउंड अस, हम तमाम अपने वातावरण की ध्वनियों को जो हमारे चारों तरफ से आती हैं, हमें सुनाई देती हैं, हम उनसे पूर्व से परिचित रहते हैं, ये हमारे अनुभव में होता है, तब हम उनको, उन ध्वनियों को समझ पाते हैं कि ये क्या, किसकी आवाज है, कैसी आवाज है, कहाँ से आ रहा है, ये सब अनुभव में ही है। हमें अनुभव का ये, जैसे हमें दूर तक आवाज पहुंचाना है तो हमें तेज से बोलने की जरूरत पड़ती है, नजदीक में हमें आवाज ये तो सीमित है कि हमारे इस कमरे तक सुनाई देता है, कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है जहां पे असेंबली सभा या कोई ऐसा जगह पे है तो हम बहुत ही धीरे, क्योंकि हमें बगल में बैठे हुए किसी दूसरे से अगर बताना है तो और भी धीरे हम अपने आप को। तो ये भी क्या है, एक्सपीरियंस है। व्यक्ति अपने अनुभवों से ऐसे सीखा है कि हमें बैलेंस, और ये चैलेंज हो जाए किसके लिए, जो हियरिंग इंपेयर, हियरिंग इंपेयरमेंट जो है उसके लिए ये चैलेंज है। क्यों चैलेंज है, क्योंकि वो अपनी आवाज को अगर कुछ कर रहा है तो परसीव भी नहीं कर पाता, तो वो उसके लिए चैलेंज है, बैलेंस नहीं कर पाता कि उसको कितने तेज से बोलना है क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता है। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं इंपॉर्टेंस में, हियरिंग एंड पर्सनल सेफ्टी, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, पर्सनल सेफ्टी किस प्रकार से यानी इसमें दिया है। जैसे हम चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, हमारे अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो हॉर्न, अगर पीछे से आने वाली गाड़ी को तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हॉर्न बजाएगा, कोई हॉर्न बजाता है हमें बगल में होने के लिए, क्योंकि हमें नहीं सुनाई दे रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो ये पर्सनल सेफ्टी भी अगर सुनना प्रभावित है, तो सड़क पे चलने के लिए हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते क्योंकि वाहन की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। जैसा अभी पहले भी हमने बताया कि जब हम ध्वनियों को सुनते हैं सड़कों पे, तो प्रायः उसके हिसाब से हम अपने आप को जगह पे सुरक्षित ले जाते हैं कि इतनी दूर से ये वाहन जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम पूर्व में ऐसी ध्वनियों को सुने रहते हैं कि ये बाइक की आवाज है, कि कार की आवाज है, कि बस की आवाज है, उसके हिसाब से हम अलग होते हैं। तो ये हमें पर्सनल सेफ्टी, मोस्ट अब हमें सब लोगों को सड़क पे ही जाना होता है, किसी कार्य के लिए बाहर निकलना होता है, तो हम अपने आप को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब हम अपने वातावरण की ध्वनियों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उससे को रिलेट हो पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए एक ये दुर्घटना हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसका इम्पोर्टेंस है, हियरिंग एंड वर्किंग, यानी अब देखें ये एक चैलेंज, अगर हमारा सुनना नहीं है तो हम किसी भी स्पेस पे, अगर जहाँ पे काम करना चाहते हैं, चाहे वर्किंग प्लेस जो हमारा रहा, तो वहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों क्यों क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तो लोग हमसे बात करने में
इंटरेस्ट नहीं होगा, ना तो हम दूसरे की बात को समझ पाएंगे, ना हम अपनी बात को समझा पाएंगे। प्रायः ये हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ होता है। तो क्या वर्किंग प्लेस पे वो अपने आप को सहज पाएंगे? नहीं, कठिनाई होती है हर जगह पे। जब हम भी हम आपको अगले लेक्चर में आगे जाके हम आपको बताएंगे कि तमाम व्यवधान जब हम बच्चे को ट्रेन करते हैं उनके लिए ये सब सारी चुनौतियां बन जाती हैं कि श्रवण बाधित बच्चों को हम किस तरीके से ट्रेन करें कि वो आसपास की जगहों पर अपने आप को कैसे समायोजित कर पाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कहीं मार्केट में किसी दुकान पे ही हो। जब संबंधित चीज़ों को हम उसको सिखाए नहीं रहेंगे कि हमें ये क्या है ये क्या, क्योंकि भाषा सबसे इनका जो कमी है वो लैक जो है वो सबसे ज़्यादा इसी का है कि भाषा इनका विकास नहीं होता। तो हम लोग अपने टेक्निक्स में लाते हैं बच्चों को, प्रायः एक लैंग्वेज टेक्निक्स है जिसको विजिट के रूप में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं मोस्टली, तो वो जगह जगह स्थानों पर ले जाके विजिट कराते हैं कि वहाँ से वहाँ के वातावरण से बच्चा परिचित हो, वहाँ की भाषाओं को समझे, उसे कम्युनिकेशन करना होगा, संप्रेषण करना होगा, तो वो कन्वर्सेशन करना है वहाँ के लोगों से, तो वो कर पाए आसानी से। तो वर्किंग प्लेस ही नहीं, तमाम ऐसे प्लेस जहाँ पे एक व्यक्ति को जाना होता है जरूरी होता है, तो वहाँ के वातावरण से अगर वो परिचित हैं, ठीक है, वातावरण से हो सकता है कि व्यवहारिक रूप में वातावरण उसको समझ रहा हो, लेकिन वहाँ से लोगों से जानना कि जैसे रेलवे स्टेशन पर गया तो टिकट कलेक्टर से कहना कि जो वहाँ पे स्टेशन पर जाके कहाँ जाना है, टिकट कहाँ से लेना है, हमसे कन्वर्सेशन अगर करना है तो कैसे करना है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग विजिट जैसे टेक्निक कराते हैं। तो वर्किंग प्लेस ही नहीं, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, अगर श्रवण बाधित है तो वो भी जाएगा, उसकी भी ज़रूरतें वहाँ से हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की या उसकी दिनचर्या में होगा। तो भाषा अगर है, सुनना है तो भाषा रहेगी, सुनना नहीं है तो भाषा नहीं है, संप्रेषण नहीं हो पाता, तो ये तमाम कठिनाइयाँ एक श्रवण बाधित के लिए होती है। नेक्स्ट जो इसका है, हियरिंग कनेक्ट अस टू इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को, तमाम जो व्यवहारिक सूचना है तो हम किसी से माध्यम से किसी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। भाषा नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि अगर सुनाई नहीं दिया तो उनको भाषा का भी अभाव होता है, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो जो करंट अफेयर्स की सूचनाएं हैं जो उनके लिए ज़रूरी भी हैं कि हमारे देश दुनिया में, हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में क्या हो रहा है, ये तमाम सूचनाओं से वो अपने आप को अलग हो जाते हैं। तो हियरिंग सूचना को ग्रहण करने में, सूचनाओं को समझने में, उसको इंटरप्रिट करने में हियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास हियरिंग नहीं है तो हम इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट उसका है जिसको हियरिंग कनेक्ट असोशियली, जो हम बता रहे थे कि अगर बच्चे में हियरिंग नहीं है, सुनना नहीं है, तो समाज के मुख्य धारा से वो नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहता है, एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहेगा, समाज में रहना है तो उसे बोलना पड़ेगा, लोगों की बातों को समझना पड़ेगा, और इन सब चीजों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनना नहीं तो भाषा नहीं है, भाषा नहीं है तो संप्रेषण नहीं है, संप्रेषण नहीं है तो समाज की मुख्यधारा से जुड़ने पाने में समर्थ नहीं है। तो व्यक्ति को समाज में अगर रहना है तो उसे बोलना ही होगा, और एक व्यक्ति जैसा हम इसे बोला एक एवरेज में कि 7000 वर्ड्स पर डे वो अपना बोलता है, एक सामान्य मतलब अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे अगर हमारा स्पीच है इस तरीके का है, हमें लेक्चर देना है, ये सब करना है, तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रायः अगर जैसे दिनचर्या में हम ये कर लें कि लोकली एक एवरेज के हिसाब से 70000 शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये एवरेज हमने आंकड़े में था तो हमने इसे डाला है, लेकिन जब भी हम बाहर जाएंगे, समाज के साथ कनेक्ट होना है तो हमें भाषा चाहिए, भाषा नहीं है तो संप्रेषण नहीं है, संप्रेषण नहीं है तो हम समाज में अपने आप को स्थापित कर पाने में समर्थ नहीं है। तो हियरिंग सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, अगर हियरिंग है तो सोशल डेवलपमेंट इम्प्रूव होगा, नहीं है तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास हमारा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। अभी जो तमाम चर्चा पे हमने ये चर्चा की तो उसमें
ये बात आई लिसनिंग और हियरिंग, जैसा सामने मोस्टली सुनना और सुनना, लिसनिंग को भी सुनना ही कहते हैं, हियरिंग को भी सुनना है, लेकिन कितना फर्क है आज हम इसको जानेंगे। हियरिंग पे अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल है, प्राय नेचुरल है, जैसे सुनना क्या है, अगर सुनने की प्रक्रिया है, बच्चा जन्म होने के बाद से ही उसकी हियरिंग चल रही है, अगर प्रभावित नहीं तो क्षति नहीं है, तो अगर सेंस उसके हैं तो क्षति नहीं है, क्षति नहीं है तो हियरिंग प्रभावित है, नेचुरली रूप में चलते रहता है, एक्सीडेंटल स्वाभाविक रूप में। और इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक है, जैसे हम सुनना क्या है, सोने के समय में भी चालू है हियरिंग, सो रहे हैं तभी भी हमें हमारी जो हियरिंग प्रोसेस है, वातावरण की ध्वनिया है, हम उससे कनेक्ट होते रहते हैं, हमारा प्रभावित नहीं हो रहा, हम सुनना हमारा चालू ही रहता है, ये हियरिंग है, नेचुरल प्रोसेस है, एफर्टलेस है, इसमें हमें कोई विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम करेंगे तभी हमें सुनाई देगा, ये हमारी लिसनिंग है। तो लिसनिंग को अगर पकड़े तो फोकस्ड यानी ये ध्यान केंद्रित करना है, अगर हमारा ध्यान लिसनिंग कहां पे सुनाई दिया, जब हमारा अटेंशन सही होगा, हम अटेंशन नहीं है तो हमारा हियरिंग हो रहा है, अटेंशन जब हुआ तो लिसनिंग हो गया, जैसे प्राय अगर हम भीड़ में जा रहे हैं, मार्केट है, मेला है, क्राउड जहां पे बहुत है, तमाम शोरगुल सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई परिचित आदमी पीछे से हमें आवाज देगा संजय, जैसे ही तेज आवाज हमें सुनाई दिया संजय कोई दूर से बुलाया, तो यहाँ पे तुरंत लिसनिंग हुई क्योंकि हमने उस बात को अटेंशन दिया, पीछे मुड़ के देगा कौन हमें बुला रहा है, इसके पहले हमने कोई अटेंशन नहीं दिया, वो नेचुरल रूप में हो रहा था, एफर्टलेस, मतलब मैं चल रहा हूं तमाम दुनिया सुनाई दे रही, लेकिन जैसे ही नाम किसी ने लिया तो क्या हो गया, ये लिसनिंग हो गई। लिसनिंग और क्या है, वॉलंटरी है, मतलब ये ऐच्छिक है, हम चुनना चाह रहे हैं तभी, जैसे अभी हमारे लेक्चर अगर चल रहा है, अगर वीडियो देखा जा रहा है तो सुनाई दे रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये फोकस्ड है, लेकिन इस समय भी तमाम ऐसी ध्वनियां होगी जो आपके आसपास हो रही हैं, वो कैसी हैं, अनैच्छिक हैं, आपको नहीं सुनना है फिर भी तक आ रही, लेकिन हमारा हमें सुनाई क्या दे रहा है, चाहिए वीडियो चलाएं तो हमें लेक्चर सुनाई दे रहा है, इंटेंशनल है, अनैच्छिक नहीं है, इच्छा पे है, जो मैंने बताया। दूसरा लर्न बिहेवियर यानी सीखा हुआ व्यवहार, ये सीखा हुआ व्यवहार हमारा हियरिंग नहीं है, हमने बताया ना कि एक्सपीरियंस की बात की थी, तमाम वातावरण की ध्वनियों को हम सीखते हैं सुनने के माध्यम से, कैसे, लिसनिंग, हम सीखते हैं, चाहे वो जिस चीज की, चाहे कौए की आवाज हो, चिड़िया में कोई तोते की आवाज हो, कुत्ते की आवाज हो, घोड़े की आवाज हो, हाथी की हो, तमाम जो ध्वनियां हैं हमारा सीखा हुआ है, दूर से भी सुनाई दिया हमें प्रत्यक्ष रूप में वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, आवाज आने के बाद हम बोल देंगे कि ये कौन, कुत्ता की आवाज है या बिल्ली की, ये क्यों, क्योंकि हमने इसको सीखा है, धारण किया, लर्न बिहेवियर है। तो हियरिंग और लिसनिंग जो मैंने बताया, ये नेचुरल है, ये इंटेंशनल है, हम जब चाहेंगे तभी हमें दिया है, इच्छा अनुसार है, लर्न बिहेवियर है, हम सीखा हुआ व्यवहार हमारा ये माना जाता है, हम जो भी वातावरण में तमाम ध्वनियां है, ध्वनियों को हम सीखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, और उससे कंडीशन्ड होते हैं कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। ओके, तो ये रहा एक हियरिंग और लिसनिंग में एक संदर्भ। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेंसरी इंपेयरमेंट, कितने प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रिय बाधिता है, ज्ञानेंद्रिय सेंसरी यानी ज्ञानेंद्रिया मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोग जान रहे हैं कि पांच हमारी ज्ञानेंद्रिया, और ज्ञानेंद्रिया जैसे हियरिंग हो गया, विजुअल हो गया, और टेस्ट हो गया, और इसमें सूंघना, घ्राण जो है वो हो गया, और टैक्टाइल सेंस यानी त्वचा संबंधित, ये पांच तरीके की हमारी जो ध्वनियां हैं। तो ये ध्वनियां, अब देखना ये है कि क्योंकि अगर हम किंडरगार्टन का नाम लें तो ध्वनियां ज्ञान का द्वार होती हैं, गेटवे ऑफ नॉलेज, ऐसा उन्होंने बोला था। तो अब कौन कितना प्रभावित करता है, ये आप भली भांत आप आगे के भी लेक्चर या आप महसूस कर पाते हैं कि वाकई क्या है। जैसे हियरिंग को हमने लिया, हियरिंग अगर आपके क्या क्या प्रभावित कर देता है, यानी उसका हियरिंग अगर प्रभावित हुआ तो स्पीच एंड लैंग्वेज प्रभावित हुआ, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रभावित हुआ तो कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ, एजुकेशन प्रभावित हुआ,
सोशल प्रोवाइड हुआ, ये तमाम तरीके का है जो क्षतिपूर्ति है। कौन सी? हियरिंग सेंस, हियरिंग सेंस अफेक्ट हुआ तो ये होता है। तो ये हमारा दो तरीके के होते हैं, सिंगल एंड डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट। सिंगल यानी सिंगल जो सेंसरी इंपेयरमेंट है इसको हम यूनिसेंसरी अप्रोच भी बोलते हैं। यूनिसेंसरी अप्रोच यानी एकल ज्ञान इंद्रिय उपागम, और दूसरा जो है वो ड्यूअल सेंसरी इंपेयरमेंट यानी एक से अधिक जिसमें हो जाए, जिसको हम मल्टी सेंसरी अप्रोच भी बोलते हैं। ड्यूअल यानी दो ज्ञान इंद्रियां जिसमें प्रभावित हो जाए, या हम यूं कह सकते हैं एक से अधिक, मल्टी सेंसरी। तो मल्टी सेंसरी में कौन होगा हमारा? डेफ एंड ब्लाइंडनेस, जहां पे किसी भी छात्र का, बच्चे का हियरिंग भी चला गया है और विजन भी चला जाए, यानी दो ज्ञान इंद्रियों अगर अफेक्ट हो जाए तो वो हम ड्यूअल सेंसरी इंपेयरमेंट कहेंगे। और जिसमें केवल एक ज्ञान इंद्रिय अफेक्ट है वो हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट या विजुअल इंपेयरमेंट, यानी या तो उसका विजुअली वो है इंपेयरमेंट है जहाँ पे दृष्टि बाधिता है, या हियरिंग इंपेयर्ड है, श्रवण बाधिता है। तो दो तरीके के हमने बताए, यूनिसेंसरी अप्रोच और मल्टी सेंसरी अप्रोच। यूनिसेंसरी अप्रोच यानी एकल ज्ञानेंद्री उपागम, इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञानेंद्री प्रभावित हुआ है, और इसमें एक से अधिक, मल्टी सेंसरी यानी एक से अधिक ज्ञानेंद्री का वहाँ पे बाधिता हुई है, चाहे जो हमने बताया डेफ एंड ब्लाइंडनेस। और डेफ के साथ बच्चा का हम ये नहीं कहेंगे कि मेंटल, क्योंकि वो दूसरा, वो सेंस ऑर्गन नहीं है। सेंस ऑर्गन यानी पांच ज्ञानेंद्रिया, इसी में से कोई भी दो, सेंस विजुअल और डेफनेस, ये प्रायः देखा जाता है कि दो ज्ञानेंद्रिय उसमें हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रिया मोस्टली जो मेन हैं वो विजुअल, और ये जो हमारे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बाकी और भी हैं सेंस का भी, जैसे घ्राण का है सूंघना, त्वचा का है, तो ये भी है, लेकिन ये उतने प्रभावित नहीं करेंगे जितना हमारी ये दो ज्ञान इंद्रियां प्रभावित करेंगी, डेफ और ब्लाइंडनेस का। तो आज हमने अपने लेक्चर में तीन चीज़ें, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग को मैंने बताया कि हियरिंग क्यों महत्व देता है, हमने आपको लिसनिंग और हियरिंग में एक डिफरेंस को बताया कि क्या है लिसनिंग, क्या है हियरिंग, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, और हम सिंगल सेंसरी इम्पेयरमेंट और ड्यूअल सेंसरी इम्पेयरमेंट के बारे में चर्चा किया कि कितने प्रकार की हमारी इम्पेयरमेंट है। आज हमारा लेक्चर इसी पे अब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आप लोगों को फिर से मिलेंगे। इनकी हियरिंग बच्चों के लिए चुनौतियाँ, हियरिंग अगर अफेक्ट है तो क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, इनके कितने प्रकार हैं, हियरिंग के कितने प्रकार है, और प्रोसेस ऑफ हियरिंग, तो ये तमाम लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप को देंगे। ओके, थैंक यू।